डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स, हीट जोन्स। आज हम लोगों को पढ़ने हैं मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइक द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर आल्सो इमेजिनरी लाइंस। जैसा हम लोग पढ़े थे कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एक इमेजिनरी लाइंस होता है, वैसा ही लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन होता है। दीज आर नॉर्थ साउथ लाइंस दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ साउथ लाइंस होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ किए जाते हैं। द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कॉल्ड मेरिडियंस, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है, रन परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड पर परपेंडिकुलर होते हैं, एज द लाइंस रन पोल टू पोल, जैसा कि ये लाइंस पोल से पोल रन करते हैं, दे आर ऑफ द सेम लेंथ, जिसके कारण ये सेम लेंथ के होते हैं, पोल टू पोल रन करते हैं, जिसके कारण ये सेम लेंथ के होते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स ग्रेजुअली कम क्लोजर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। लॉन्गिट्यूड्स सामान्यतः पोल्स की ओर जाते हैं, इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, तो क्लोजर और नज़दीक होते जाते हैं। दे फाइनली कन्वर्ज एंड मीट एट द पोल्स, और ये सब फाइनली पोल्स पर मीट करते हैं, मिल जाते हैं। द अर्थ्स फोर हेमिस्फीयर आर शोन अबव एंड ईच वन इज शेडेड एज डार्क ग्रे। ऊपर दिखाए गए फोर पिक्चर्स हैं जिसमें फोर हेमिस्फीयर को दिखाया गया है, प्रत्येक हेमिस्फीयर को डार्क कलर से शेड किया गया है। द इक्वेटर इज द ओनली लैटिट्यूड दैट कट्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। इक्वेटर सिर्फ एक ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ को दो हाफ में बांटता है, काटता है। दिस इज बिकॉज ऑल अदर लैटिट्यूड्स आर ए स्मॉलर सर्कल्स। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी जो अदर लैटिट्यूड्स हैं वो स्मॉलर सर्कल होते हैं। इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। लॉन्गिट्यूड्स के केस में ये डिफरेंट होता है क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। दिस मीन्स डैट एनी सेट ऑफ टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स विल फॉर्म अ ग्रेट सर्कल बाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट। द मेरिडियंस लाइन थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड इज करेंटली गिवेन द वैल्यू ऑफ 0 degree ऑफ लॉन्गिट्यूड। दिस मेरिडियन इज रिफर्ड टू एज द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स के दो सेट, जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, एक प्राइम मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे दो सेट्स एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं, एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं, जिसके कारण अर्थ दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड होने के बाद इस तरह का नाम दिया जाता है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक
जो मेरिडियन अर्थ को वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं उस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से पास करते हैं द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन एट 0 degree लॉन्गिट्यूड एंड इट्स ट्विन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन एट 180 degree लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है जो 0 degree को फॉलो करता है एंड इसके जस्ट अपोजिट में 180 degree प्राइम 180 degree मेरिडियन होता है जो अर्थ को 2 equal parts में डिवाइड करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दिस अपोजिट मेरिडियन एट 180 degree इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इस 180 degree मेरिडियन को जो प्राइम मेरिडियन 0 degree के अपोजिट में होता है उस मेरिडियन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। व्हेन वन क्रॉसेस दिस लाइन, जब कोई भी इस लाइन को क्रॉस करता है, वन हैज़ टू एडजस्ट द डेट, तो वह आदमी डेट को एडजस्ट करता है। बाय कॉमन एग्रीमेंट व्हेन एवर वी क्रॉस इट, कॉमन एग्रीमेंट के द्वारा जब भी जो भी इसे क्रॉस करता है, द एडवांस्ड वन डे गोइंग वेस्ट, जब इससे वेस्ट में जाता है, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में जाता है, तो वन डे एडवांस उसको मिलता है, एक दिन ज़्यादा, एंड ईस्ट में जाता है तो एक दिन पीछे चला जाता है। लॉन्गिट्यूड्स आर नंबर्ड इन डिग्री, ईस्ट मीन्स ई और वेस्ट डब्ल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स को जो ईस्ट में होता है उसे ई से इंडिकेट किया जाता है और जो वेस्ट में होता है उसे डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट एंड प्राइम मेरिडियन के वेस्ट। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स आर देयर आर 360 इन अ सर्कल दैट इज 182 द ईस्ट एंड 182 द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं जो 180 प्राइम मेरिडियंस होते हैं प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में एंड 180 मेरिडियंस होते हैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में। द लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ई और अ पॉजिटिव साइन। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको ई लेटर से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, या प्लस साइन से इंडिकेट किया जाता है। द लॉन्गिट्यूड्स टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर इंडिकेटेड विथ डब्ल्यू और अ नेगेटिव साइन, माइनस साइन से इंडिकेट किया जाता है। जो मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में होता है उसको डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है या नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। एज द अर्थ रोटेट्स, जैसा कि अर्थ रोटेट करता है, ईच ऑफ द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फेसेस द सन इन टर्म्स, उस टाइप से सन का फेस उस लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है।
At that point, the time at all the places that are located on the same line of longitude or meridian of longitude will be 12 noon or midday. तो उस पॉइंट पे उस समय 12 नून और मिड डे इंडिकेट किया जाता है उस लॉन्गिट्यूड पे, उस मेरिडियंस पे. दिस आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई वी यूज द टर्म मेरिडियन. मेरिडियन टर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं, विच इज लैटिन मीन्स मिड डे, मीन्स मिड डे मीन्स दिन का बीच वाला, मीन्स 12 नून, इसलिए मेरिडियंस यूज किया जाता है. थैंक यू. इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे.